गाजीपुर में अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। दिलदार नगर में नव विवाहिताओं में वट सावित्री पूजा को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया। वट वृक्ष को आम, लीची, सरीखे मौसमी फल अर्पित करने, कच्चे सूत से बांधने और बीएन हथपंखा से ठंडक पहुंचाने के बाद महिलाओं ने आस्था के साथ इसकी परिक्रमा की। पूजा के बाद वट सावित्री कथा भी सुनी गई। आइए जानते हैं कि वट सावित्री पर बरगद के पेड़ की क्यों और कैसे करें पूजा, ताकि सावित्री सत्यवान की तरह मिले वरदान। आज सावित्री व्रत पूजा का क्या उद्देश्य है, क्या मनोकामनाएं हैं लोगों की जो पूर्ण होती है? आज वट सावित्री व्रत का पूजा है। इसको करने से पति की आयु लंबी होती है। औरतें पति की दीर्घायु कामना के लिए वट सावित्री पूजा का व्रत करती हैं और वट वृक्ष के नीचे 108 बार धागे से परिक्रमा करती हैं। अभी आपने पंडित जी से इस पूजा का महात्म्य जाना। ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन पड़ने वाले इस पर्व में सुहागिन महिलाओं ने पूजा की थाली सजाकर वट वृक्ष की 12 बार परिक्रमा की और फल फूल चढ़ाकर सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना की। इस व्रत के महत्व का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि घरों से नई नवेली दुल्हनों के साथ सुहागिन महिलाएं बरगद पेड़ के नीचे पहुंच पूरे दिन पूजा अर्चना करने में जुटी दिखाई दी। इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि इस व्रत को सबसे पहले सावित्री ने किया था, वही सावित्री जो अपने पति सत्यवान की प्राण को यमराज से वापस मांग कर लाई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती चली आ रही हैं। वट सावित्री व्रत में महिलाएं 108 बार बरगद की परिक्रमा करती हैं। कहते हैं कि वट सावित्री पूजन करना बेहद फलदायक होता है। इस दिन महिलाएं सुबह से स्नान कर लेती हैं और सुहाग से जुड़ा हर श्रृंगार करती हैं। जब तक पूरा व्रत संपन्न नहीं हो जाता तब तक पानी भी नहीं पीती। आज के दिन महिलाएं त्योहार की तरह अपने अपने घरों में पक्का भोजन के साथ पकवान भी बनाती हैं। वट वृक्ष के पूजन में साल भर के 12 महीने के हिसाब से 12 चीजें पूजा में चढ़ाई जाती हैं। कच्चे धागे का जनेऊ बनाकर उसको अपने गले में धारण भी किया जाता है। द न्यूज ब्रीफ और लहुरी काशी के लिए दिलदार नगर से नीतू यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।